नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार यानी कि आज लखनऊ जाएगी। लोक भवन में आयोजित एनडीए की बैठक में द्रौपदी मुर्मू भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों में मत और समर्थन देने की अपील करेगी। भाजपा द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ दौरे को भव्य बनाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधेगी। द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार यानी कि आज दोपहर 3 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अपना दल के आशीष पटेल, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से भी उनका स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से वे बटलर पैलेस स्थित वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। वही शाम 6 बजे लोक भवन में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होगी। वही मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को मत एवं समर्थन देने का आग्रह किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू भी बैठक में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताते हुए अपनी बात रखेगी। एनडीए की बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास पर द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में रात्रि भोज भी रखा जाएगा। भाजपा ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को साधने के लिए राजधानी में जगह जगह द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में बैनर लगाए हैं। एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में ASSC ST वर्ग की महिलाएं उनका स्वागत करेगी। पार्टी दलित और आदिवासी वर्ग के बीच संदेश देने की कोशिश करेगी कि भाजपा ने पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के लिए चुना है। एयरपोर्ट, लोक भवन, वीवीआईपी गेस्ट हाउस और मुख्यमंत्री आवास पर आदिवासी नृत्य और लोक कलाकारों के कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। तो क्या लगता है कि पूरी तरीके से यहां पर द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट मिल पाएगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव।